एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। द अहोम्स हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लेबर कॉल्ड पैक सिस्टम। अहोम लोगों के पास एक बहुत ही अद्भुत सिस्टम था, बहुत ही कह लो बहुत ही अजीब सिस्टम था उनका लेबर करवाने का, मजदूरी कराने का, जिसे पैक सिस्टम कहा जाता था। ऑल एडल्ट मेल्स एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी, द एरिस्टोक्रेट्स, द प्रीस्ट एंड द स्लेव्स वर कॉल्ड पैक्स। सभी तरीके के वयस्क आदमी, सभी तरीके के 18 साल या इससे ऊपर के जो लोग थे, सिवाय ऐसे सदस्यों को छोड़ करके जो कि शाही परिवार से थे, एरिस्टोक्रेट्स यानी राजा के मंत्री वगैरह थे, पुजारी लोग और गुलामों को छोड़ करके, ठीक है, शाही परिवार को छोड़ करके जितने भी मेल्स थे उसमें एरिस्टोक्रेट, पुजारी, गुलाम, वो सब पैक कहलाते थे। द पैक्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग द वार। इन पैक लोगों को युद्ध के समय आर्मी में अपनी सेवा देनी होती थी। एज द अहोम किंगडम डिड नॉट हैव अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, क्योंकि अहोम जो राज्य था उनकी नियमित रूप से हमेशा के लिए खड़ी रहने वाली सेना नहीं थी। ड्यूरिंग द डेज वेन नो वार्स वर बींग फॉट, उन दिनों के समय जब किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, द पैक्स वर इन्वॉल्व इन पीसफुल एक्टिविटीज़। जो पैक लोग होते थे वो शांतिपूर्वक कामों में लगे रहते थे, जैसे कि बांध वगैरह बनवाना, सिंचाई व्यवस्था को सुधारना, एंड इन्वॉल्विंग इन सोशल वर्क और सामाजिक कामों में लगे रहते थे। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यूअर मैथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन, चावल की खेती करने के नए नए तरीकों का डेवलपमेंट करने में भी वो लगे रहते थे। इन रिटर्न द पैक्स वर गिवन सम फिक्स्ड एरियाज ऑफ लैंड फॉर देयर यूज़। बदले में पैक लोगों को जमीन के कुछ एरिया दे दिए जाते थे अपने इस्तेमाल करने के लिए। द पैक्स वर ग्रुप्ड इनटू यूनिट्स कॉल्ड खेल। पैक जो थे वो जिन ग्रुपों में बटे हुए थे उन यूनिट्स को खेल कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, द अहोम किंग्स इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंस। अहोम राजाओं ने सिक्कों से इंट्रोड्यूस कराया। दे फॉलोड अ लैंड मेजरमेंट सिस्टम सिमिलर टू द मुगल। मुगलों की तरह इन्होंने भी जमीन नापने के सिस्टम से को फॉलो किया। रिलीजियस बिलीफ्स एंड कल्चर, इनके धार्मिक विश्वास और संस्कृति इनकी कैसी थी। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, शुरुआती दिनों में, द अहोम वर्शिप्ड देयर ट्राइबल गॉड्स। अहोम लोग जो है वो अपने आदिवासी देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेटर बाद में टू द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणों के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से दे अडॉप्टेड हिंदुइज्म। इन लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। नेवरदलेस द अहोम किंग्स रिटेन्ड सम ऑफ देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स एज वेल। लेकिन कभी भी अहोम राजाओं ने अपनी पारंपरिक विश्वासों को नहीं छोड़ा। एज टाइम पास्ड बाई, जैसे जैसे समय गुजरता गया, सम ऑफ द अहोम्स मर्ज्ड देमसेल्व्स कम्प्लीटली विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। कुछ अहोम लोगों ने पूरी तरीके से अपने को समाज में, जो जाति में बटा हुआ था समाज, उसमें अपने आप को मर्ज कर लिया। सम अदर्स हाउ एवर रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। कुछ अहोम लोग ऐसे थे जिन्होंने जाति प्रथा से अपने आप को हमेशा दूर रखा। फॉलोड इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जो कि उस समय कट्टरपंथी हिंदुइज्म में मौजूद था, ठीक है। कट्टरपंथी लकी कहने का मतलब क्या है, जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा माना जाता था कि जाति प्रथा, वो हिंदू है, वो ऊँच है, वो नीच है, ऊँचा है, नीचा है, इस तरीके से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इस तरीके का जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म था वो, उससे ये लोग हमेशा, कुछ लोग दूर रहे अहोम जाति के लोग। द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ असम बिहू गॉट फेम आफ्टर अहोम किंगडम। रुद्र सिंह इन्वाइटेड द परफॉर्मर्स फॉर बिहू ऑन द ओकेजन ऑफ रोंगाली बिहू। सबसे प्रसिद्ध जो पारंपरिक लोक नृत्य, लोक डांस जो है असम का, वो बिहू है। गॉड फेम, वो उस समय प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, जब अहोम राजा रुद्र सिंह ने इसको परफॉर्म करने वाले लोगों को, या बिहू डांस को परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर्स को रोंगाली बिहू के अवसर पर इनवाइट किया था। तब से जो है, जो बिहू है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और आज हम लोग जानते हैं कि असम का जो फोक डांस है वो बिहू है। अब देखिए, हाउ द नोमैड्स एंड द ट्राइब्स लिव्ड। किस तरीके से बंजारे लोग और आदिवासी समाज रहते थे। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वर ट्राइब्स। नोमैडिक यानी बंजारे लोग जो थे वो पशुचारी थे, यानी जानवरों को लेकर के घूमते थे। वर ट्राइब्स ऐसे आदिवासी समाज थे दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो कि बहुत लंबी दूरियों तक को
ट्रैवल करते रहते थे अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स अपने जानवरों के साथ. दे अर्न अ लिविंग बाई एक्सचेंजिंग वुल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी ईटीसी द ग्रेन क्लॉथ यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. वो अपनी जीविका अपना जीवन जीने का जो तरीका है उसमें कैसे कमाते थे ऊन को एक्सचेंज करके ऊन को एक्सचेंज करते थे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि घी अनाज कपड़े बर्तन और दूसरे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे और अपने लिए पैसे का इंतजाम करते थे. दे चीफली डेल्ट विद सेटल्ड फार्मर्स एंड आर्टिसंस. मुख्य रूप से वो एक ही जगह रहने वाले किसान और कलाकार थे. मैनी ऑफ दीज ट्राइब्स सोल्ड देयर एनिमल्स. बहुत सारे इनमें से जो आदिवासी समाज थे वो अपने जानवरों को बेचा करते थे सच एज कैटल जैसे कि पालतू पशु और घोड़े टू द वेल्दी पीपल. जो बहुत ही धनवान लोग होते थे अमीर लोग होते थे उनको अपने घोड़े और पालतू जानवरों को बेचते थे. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नोमैडिक ट्रेडर्स वॉज द बंजाराज. नोमैडिक ट्रेडर्स में यानी बंजारे वाले जो व्यापारी थे उनको बंजाराज कहा जाता था या आदिवासी जो व्यापारी थे उनमें बंजाराज जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे. इस तरीके का जो काम करते थे एक्सचेंजिंग करते थे सामान के बदले सामान वाला सिस्टम जो करते थे उनको बंजारा कहा जाता था. इनका देखिए क्या होता है बंजाराज का. द बंजाराज वर द नोमैडिक ट्रेडर्स हु मूव्ड अलोंग विद देयर कैरावांस. बंजाराज वो आदिवासी व्यापारी होते हैं जो कि अपने कैरवा के साथ कारवां के साथ या कह लो अपने क्या बोलते हैं उसको अपने काफिले के साथ ठीक है जो अपने काफिले के साथ इधर उधर मूव करते रहते हैं. इन विच दे कैरीड देयर गुड्स जिसमें उनके साथ उनका गुड्स भी उनके दूसरे सामान भी होते हैं. देयर कैरवां वाज कॉल्ड टांडा. उनका ये कारवां जो है वो टांडा के नाम से जाना जाता है. दे यूज़ टू बाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्राम द फार्मर्स. ये किसानों से अनाज को और सब्जियों को ख़रीदा करते थे एंड ब्रिंग देम टू टाउन्स टू बी सोल्ड इन अर्बन मार्केट्स. उनको कस्बों में ला करके शहरी बाजारों में बेचते थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली. दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध सुल्तानों में से एक जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था ट्रांसपोर्टेड ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. वो शहर की बाजारों में अनाज को ट्रांसपोर्ट करता था विद द हेल्प ऑफ बंजार जिसमें वो बंजारों की मदद लेता था. चेंजिंग सोसाइटी विद टाइम. समय के साथ समाज का बदलना. विद द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन. सामाजिक और आर्थिक रूप से एक्सपेंशन होने यानी फैलने की वजह से समाज का और ज़्यादा फैलने की वजह से और इकोनॉमिक यानी जो आर्थिक काम है ट्रेड वगैरह जो है बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से वेरियस न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज डेवलप. बहुत सारी नई जातियाँ और अधिकारी लोग जो है वो डेवलप हुए. हायरार्की यानी चीज़ों को हायर करने वाले लोग. मैनी ट्राइब्स चूज टू बी पार्ट ऑफ द हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी. बहुत सारे आदिवासियों ने ये कोशिश किया कि वो हिंदू कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं. दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज. उनको स्टेटस का जातियों का स्टेटस दे दिया जाए. वेरियस स्मॉलर कास्ट और सब कास्ट मर्ज विद इन द वर्णा. बहुत सारी छोटी जातियाँ और फिर उसके बाद बटी हुई जो छोटी छोटी जातियाँ थीं वो सब वर्ण सिस्टम में मर्ज हो गई. इंस्टेड ऑफ द वर्ण सिस्टम के बावजूद जातीज़ बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज़. जातियाँ ही मुख्य आधार होती थी बेस होती थी एक समाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोसाइटी को बनाने के लिए जातियाँ ही बेस होती थी. और आज भी यही है. कहते हैं कि वहाँ सब ठाकुर फैमिली रह रही क्षत्रिय फैमिली रह रही हैं उस वाले गाँव में या किसी दूसरे गाँव का नाम लेंगे तो वहाँ कहते हैं सब ब्राह्मण लोग रह रहे हैं. किसी गाँव का नाम वहाँ कहेंगे सब शूद्र लोग रह रहे हैं. कहीं लेंगे नाम तो कहेंगे वैश्याज लोग रह रहे हैं. ठीक है तो इस तरीके से सोसाइटी आज भी हमारी बटी हुई है. ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरीज. 11th और 12th सेंचुरीज में राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल. राजपूतों के जो क्लैंस थे उनके जो समूह थे उनके जो ग्रुप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रहे. द राजपूत बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण. राजपूत जो लोग थे वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे. हाउ एवर दे ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्ट्रीज. लेकिन फिर भी ये वास्तविक तौर पर देखा जाए ओरिजिनल में ये जो राजपूत लोग थे ये अलग अलग पूर्वजों से थे. सच एज हुणा नाम के जो जाति के लोग थे वो राजपूतों से बिलोंग करते हैं. चंदेला राजा चालुक्यास एमंग अदर्स और दूसरे. ठीक है ये अलग अलग पूर्वजों के लोग थे लेकिन आगे चलकर ये राजपूत कहलाने लगे. सम ऑफ द राजपूत ऑल्सो हैड देयर रूट्स इन ट्राइबल फैमिलीज. कुछ राजपूत राजा ऐसे भी थे जिनकी जड़ें आदिवासी परिवारों से जुड़ी हुई हैं. इवेंचुअली आखिरकार मैनी ऑफ दीज ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास.
आखिरकार ब्राह्मणों की मदद की वजह से बहुत सारे आदिवासी समाज जो थे वो जाति प्रथा जो हमारे वहाँ है, जो कास्ट सिस्टम है, उसका हिस्सा बन गए। हाउ एवर एंट्री टू द रूलिंग क्लास वॉज लिमिटेड टू द मेम्बर्स फ्राम लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ओनली। लेकिन फिर भी एंट्री टू द रूलिंग क्लास, शासन करने वाला, ठीक है, रूलिंग क्लास यानी शासन करने वाले, पहले से मौजूद जो रूलिंग क्लास था वॉज लिमिटेड टू द मेम्बर्स, वो उन सदस्यों के लिए सीमित था जो कि आदिवासी परिवार से आ रहे थे। आदिवासी परिवारों से जो लोग आ रहे थे, समाजों से आ रहे थे, आदिवासी समाज से, वो रूलिंग क्लास जो है, शासन करने वाला जो क्लास था, कह लो कि जो पहले से कास्ट सिस्टम में बटे हुए थे, उनमें आदिवासी समाज के लोगों को या सदस्यों को रखने का जो सिस्टम था वो बहुत ही लिमिटेड था। बहुत ही गिने चुने लोगों को दर्जा दिया जाता था कि वो समाज में रह सकते हैं। आदिवासी लोगों को जो पहले से रूलिंग क्लास था, कुछ ही लोगों की एंट्री जो है उसमें लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता था दर्जा समाज में। द रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। बाकी की जो मेजॉरिटी होती थी वो बचती थी ट्राइबल फैमिलीज़ की, उनको नीचे की जातियों में, समाज में जो बटा हुआ था जातियों में, उसमें लोअर जातीज में उनको ज्वाइन करा दिया जाता था। मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स, बहुत सारी वर्चस्व रखने वाले आदिवासी पंजाब, जैसे कि पंजाब हो गया, सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी का जो फ्रंटियर इलाका है, बिल्कुल सामने का है, जो कि पाकिस्तान में है हमारा, अब हैड एडॉप्टेड इस्लाम, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था एंड कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और जाति प्रथा को लगातार ये लोग रिजेक्ट करते रहे, मना करते रहे। ये था आपका ट्राइबल सोसाइटीज़। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्न, थैंक यू वेरी मच।